सो है गाइस, फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम एडिट करेंगे इस तरह की इमेज, वो भी लाइट रूम के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लाइट रूम के अंदर। हमने लाइट रूम ओपन कर लिया है, यहाँ से हम लाइट को चूज कर लेते हैं, ब्लैक को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, हम 15 रख देते हैं, व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 रख देते हैं। यहाँ से हम शेडोज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 रख देते हैं, हाईलाइट को भी से बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम 17 रख देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 19 रख देते हैं, एक्सपोजर को रहने देते हैं। यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से हम सीलिएंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इलेवन रख देते हैं। मिक्स में जाते हैं, यहाँ हम येलो को ले लेते हैं, सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देते हैं, ह्यूमिडनेस को भी पूरा माइनस, ग्रीन में जाते हैं पूरा माइनस कर देते हैं, सेचुरेशन ह्यूमिडनेस को भी पूरा माइनस कर, ग्रीन में जाते हैं सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देते हैं, ह्यूमिडनेस को भी पूरा माइनस कर देते हैं, ब्लू में जाते हैं पूरा माइनस कर देते हैं सिचुएशन, हमने इसको भी पूरा माइनस कर देते हैं। यहाँ से हम ऑरेंज में जाते हैं, ऑरेंज में सिचुएशन थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, 18 रख देते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ से रेड में जाते हैं, रेड में थोड़ा सा सिचुएशन को बढ़ा देते हैं, थर्टी वन रख देते हैं। यहाँ से हम डन कर लेते हैं, यहाँ से हम इफेक्ट में जाते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, यहाँ पे हम 11 रख देते हैं, लेजर को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम 12 रख देते हैं, क्लैरिटी को थोड़ा सा 18 रख देते हैं, बढ़ा के लेजर को माइनस कर देते हैं, 71 रख देते हैं, क्लोज में जाते हैं, क्लोज में यहाँ से हम ब्लू को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, वाइट को थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ, ज़्यादा नहीं हल्का सा, ऐसे डन कर लेते हैं, क्लियरिटी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ट्वेंटी रख देते हैं, ऐसे हम डन कर लेते हैं। आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।